हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से पेट से जुड़ी एक बहुत ही कॉमन समस्या कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करूँगी। ये क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके लक्षणों के बारे में और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगी, जिसको आप यूज़ करके अपने पुराने से पुराने कब्ज की समस्या से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन दिया उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, लेकिन थोड़ा सा हम शॉर्ट में कॉन्स्टिपेशन के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले हमको उस बीमारी के बारे में जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है इनएबिलिटी टू पास स्टूल। अगर स्टूल को पास करने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, स्टूल बहुत ज़्यादा सूखा रहता है, बहुत ज़्यादा कड़ा रहता है और उसको पास करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो इस कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। इसके साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनको स्टूल 2 से 3 दिन तक या 5 या 6 दिन तक उनको स्टूल पास करने की इच्छा बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है, तो इस कंडीशन को भी हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिपेशन के क्या क्या कारण होते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं, अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। उसके बाद सेकंड होता है कि अगर आपकी डाइट में फाइबर की कमी है, अगर आप फाइबर बहुत कम खाते हैं, जैसे कि आप फ्रूट्स कम खाते हैं, वेजिटेबल कम खाते हैं, हरी सब्जियां आपके खाने में बहुत कम रहती हैं या फाइबर नहीं खाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि खाने फाइबर की कमी से और पानी की कमी से हमारा जो स्टूल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, क्योंकि स्टूल जब हमारी आंतों में जाता है तो वहाँ पर पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, और ऑलरेडी जब हमारे बॉडी में पानी की कमी रहेगी तो आंतें जो होती हैं स्टूल से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टूल होता है बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसके साथ ही साथ हमारी आंतों में जो चिकनाई होती है, जो लुब्रिकेशन होता है, उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद तीसरा होता है आपकी लाइफस्टाइल। अगर आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप लगातार प्रोलॉन्ग सिटिंग वर्क करते हैं, लगातार बैठे रहते हैं, बिल्कुल भी आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और लगातार बैठने का आप काम करते हैं, 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कारण होता है अगर आपका लीवर ठीक से काम नहीं करता है, आपका जो लीवर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, डाइजेशन आपका सही से हो नहीं पा रहा है, उसकी वजह से भी हमको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है कि ऐसे लोग जो बहुत क्रॉनिक सफ़रर हैं कॉन्स्टिपेशन से और लैक्सेटिव का प्रयोग करते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि लैक्सेटिव खाने के बाद से हमको शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है, लेकिन परमानेंटली ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देता है। तो ये कुछ बेसिक कारण थे जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कौन सी वो टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको आप यूज़ करके अपने कॉन्स्टिपेशन को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन नक्स वोमिका, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। हर फिजिशियन अपने पेशेंट को नक्स वोमिका ज़रूर प्रिस्क्राइब करता है। नक्स वोमिका का जो इंडिकेशन होता है ये ऐसे लोगों पे बहुत ज़्यादा सूट करती है जो लोग बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं, जिनको लगातार घंटों बैठने का काम रहता है और उनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी रहती है, लगातार बैठे रहते हैं, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। लगातार बैठने की वजह से हमारे आँतों का मूवमेंट स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके साथ ही साथ पेशेंट बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाता है, स्पाइसी फूड खाता है और अल्कोहलिक भी होता है साथ में, तो जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। पेशेंट को स्टूल एक बार में पास नहीं होता, जब भी पेशेंट स्टूल पास करने जाएगा तो उसको लगेगा कि थोड़ा बहुत मोशन और रह गया, तो एक बार में पूरा पेट साफ नहीं होता है, तो बार बार उसको स्टूल जाने की टॉयलेट जाने की इच्छा होती है, लेकिन हर बार वो टॉयलेट जाता है, थोड़ा बहुत स्टूल पास होता है, तो ऐसा करते दिन भर में 4-5 बार वो स्टूल चला जाता है। तो अगर आपको पेट एक बार में साफ नहीं होता, इस कंडीशन में भी आप नक्स वोमिका ले सकते हैं। तो नक्स वोमिका आप 30 पोटेंसी से स्टार्ट करिए। नक्स वोमिका 30 की 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग में आपको लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। इस मेडिसिन को आप 1 महीने तक ले सकते हैं, आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन रहती है ब्राइनिया। तो ब्राइनिया का इंडिकेशन होता है कि ब्राइनिया का जो कॉन्स्टिपेशन में जो पेशेंट को स्टूल पास होता है बहुत ज़्यादा सूखा होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, क्योंकि आंतों में पानी की कमी की वजह से स्टूल बहुत ज़्यादा ड्राई होता है और उसको पास करने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। स्टूल पास करने के बाद
एनएस पे बहुत ज़्यादा जलन होती है और स्टिचिंग पेन होता है। पेशेंट जो होता है उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ब्रैनिया का जो पेशेंट है उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, स्टूल बहुत ज़्यादा सूखा होता है और बहुत लार्ज साइज़ का स्टूल पास होता है। तो किस तरीके की कंडीशन है तो आप ब्रैनिया ले सकते हैं, आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। तो ब्रैनिया 30 की दो दो बूंद दिन में 3 से 4 बार आप 1 महीने तक लीजिए, आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। उसके बाद थर्ड मेडिसिन रहेगी ओपीएम। ओपीएम भी कॉन्स्टिपेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, स्पेशली अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, आपको 5 साल 10 साल हो गए हैं कॉन्स्टिपेशन को और आपका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, इसका इंडिकेशन होता है कि इसमें जो पेशेंट होता है उसको डिज़ायर ही नहीं होती, उसके अंदर अर्ज नहीं होती है, स्टूल जाने की इच्छा ही नहीं होती है कि 4 दिन 5 दिन उसको अर्ज नहीं महसूस होती है और वो लगातार अच्छे से खाना भी खाता है, एपेटाइट भी अच्छी होती है, खूब अच्छे से खाता है, पानी भी बहुत पिएगा, उसको बिल्कुल भी स्टूल जाने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन जब वो स्टूल पास करने जाता तो स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा सख्त होता है, जिसको पास करने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इस तरीके की कंडीशन है, आपको 4 दिन 5 दिन में आप स्टूल पास करने जाते हैं, मोशन के लिए जाते हैं और आपका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो आप ओपीएम ले सकते हैं। ओपीएम आपको 30 पोटेंसीज लेनी, ओपीएम 30 की दो दो बूंद दिन में 3 से 4 बार आप 1 से 2 हफ्ते तक प्रयोग करिए, आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। आपको जब रिलीफ मिलने लग जाए तो आप ओपीएम 200 पे स्विच कर सकते हैं। ओपीएम 200 के सिंगल डोज आप 2 से 3 महीने तक लीजिए, आपको डेफिनेटली आराम मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी प्लम्बम मेटालिकम। प्लम्बम मेटालिकम भी कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, स्पेशली अगर आपकी आंतों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पूरे पेट में स्टूल भरा हुआ है, पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ फूला हुआ तना हुआ लगता है, बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनती है, स्टूल पास करने में जाते तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, स्टूल आपका बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो किस तरीके की कंडीशन है तो आप प्लम्बम मेट ले सकते हैं। प्लम्बम मेट 30 की दो दो बूंद दिन में 3 से 4 बार आप 1 महीने तक लीजिए, डेफिनेटली आपको अपने क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में आराम मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट मेडिसिन रहेगी मैग्नीशियम म्यूर। मैग्नीशियम म्यूर कॉन्स्टिपेशन की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, इसका इंडिकेशन होता है अगर आपको दूध पीने के बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आपको मिल्क इंटॉलरेंस है, जब आप दूध पी लेते हैं आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है और आपको बहुत ज़्यादा कब्ज हो जाता है, स्टूल आपका जो होता है बॉल लाइक होता है, राउंड बॉल शेप का स्टूल पास होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसको पास करने में आपको ब्लीडिंग तक हो जाती है, तो किस तरीके की कंडीशन है तो आप मैग्नीशियम म्यूर ले सकते हैं। मैग्नीशियम म्यूर 30 की दो दो बूंद दिन में 3 से 4 बार आप 1 से 2 हफ्ते तक यूज़ करिए, आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। ये थी टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन। इन मेडिसिन को लेने के साथ साथ आपको अपनी थोड़ी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करने होंगे, जैसे कि आपको अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेट रखना रहेगा, दिन में कम से कम 6 से 7 ग्लास पानी आप ज़रूर पिए, अपनी डाइट में आप फाइबर को ज़रूर इंक्लूड करें, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, हरी सब्जियाँ खाइए, सैलड खाइए और आप स्प्राउट्स खा सकते हैं और इसके साथ ही साथ थोड़ी बहुत वॉक करिए, सारी चीज़ों को फॉलो करिए और होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए अपने लक्षणों के हिसाब से, तो डेफिनेटली आपको अपनी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन दिया उसे भी प्रेस कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।